Good morning, boys and girls. Good morning, parents. Good morning, teachers. उम्मीद है, आशा है, आप सब अच्छे हैं. लॉकडाउन का स्थिति धीरे धीरे बदल रहा है. केंद्र सरकार ने 8 तारीख को आदेश जारी की है कि 21 तारीख से 9th to 12th स्टैंडर्ड students can come to school, get guidance from teachers. तो बच्चे लोगों के लिए एक सहमति पत्र parents लोगों के द्वारा देना पड़ता है, जो class teacher से आप प्राप्त कर सकते हैं. इसमें 21 से लेकर के इस माह के अंत तक सहमति पत्र है. उसके बाद यदि संभव होगा, अक्टूबर से जब स्कूल खुलेगी तो उसके लिए सहमति पत्र है. तो नीचे निर्देशन दिया गया है, इसको सख्त पालन करने की आवश्यकता है. जैसे स्कूल परिसर में बिना सहमति पत्र के बिना आपको प्रवेश नहीं करना है. इसका भरने के बाद, मम्मी पापा से सिग्नेचर लेने के बाद, इसका एक फोटोकॉपी भी आप लेके आएंगे, उसका रिसीव कर दिया जाएगा. और इसके पीछे जैसे आप एंटर करेंगे उस दिन का डेट का मुहर मारा जाएगा. तो ये आपके लिए गेट पास होगा टीचर लोगों से मिलने के लिए. दूसरी बात, बच्चे लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है. माता पिता बच्चों को बता दें, स्कूल परिसर में भी और अन्य जगह में भी 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है. 40 से 60 सेकंड तक हाथ को बढ़िया से साबुन से धोना है. यदि बीमार हैं बच्चे लोग तुरंत अपने माता पिता को खबर देंगे. पीने के लिए पानी स्टूडेंट्स अपने साथ लेके आएंगे. जो कंसल्टेशन का समय है टीचर लोगों के साथ, लगभग 2 घंटे का होगा. जो बच्चे लोग नहीं आ सकते हैं वे लोग SJS नवादा ऑनलाइन के यूट्यूब में आप देख सकते हैं. लेकिन आपका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर या वर्चुअल प्रेजेंस अटेंडेंस सख्त ज़रूरी है. आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा भी आप अटेंड कर सकते हैं या फिजिकल फ्रेंड्स के प्रेजेंस के द्वारा भी आप टीचर लोगों से राय सलामत ले सकते हैं. लेकिन आपका अटेंडेंस गिनती में आएगा. किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, कोई भी वस्तुओं को अन्य बच्चों के साथ शेयर मत कीजिए. जो कलम लाते हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए, औरों को मत दीजिए. कुछ भी लेन देन नहीं होना चाहिए, ये आपकी भलाई के लिए हम बताते हैं. कोई भी सामग्री, खाने वाला सामान लेकर के नहीं आइए. सिर्फ 2 घंटे का आपका टीचरों से मिलने का समय है, तो इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ मत लाइए. और जो भी बच्चे लोग अभी तक जो एग्ज़ामिनेशन पेपर जमा किए हैं उसका रिजल्ट बना करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस महीना के बाद से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं. तो इसलिए जो इनकम्प्लीट है, जो स्टूडेंट है, वे कंप्लीट करके जमा करेंगे. रिजल्ट ले लीजिएगा, फ़ी को भी अपडेट कर लीजिए. तो यही है 9th to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की कुछ जानकारियाँ. और उन लोगों के रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चल रहा है. यदि किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, आकर के ऑफिस में मिलेंगे. LKG से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चे लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ. अभी हम लोग ऑफ ईयर पर पहुँच गए हैं. इस महीना के साथ हमारा ऑफ ईयर का एकेडमिक सेशन समाप्त होने वाला है. आप लोग फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिला होगा. अभी हम लोग
एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लेंगे। कैसे लेंगे? आपको यदि आप अपने फी को अपडेट किए हैं, हमारे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसी तरह से एक फाइल आपको मिलेगी। जो जो फीस जमा किए हैं सिर्फ वे लोग इसको ले पाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर होगा। एक क्वेश्चन पेपर कंबाइंड क्वेश्चन पेपर है, तो उसके साथ 6 एग्जामिनेशन या 7 एग्जामिनेशन पेपर होगा। जैसे आपका एग्जामिनेशन होगा उतना एक एक पेपर होगा। एक एक पेपर एक एक सब्जेक्ट के लिए है। तो माता पिता इसको आप लेके जाएंगे अपने घर में। अधिकांश फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, बच्चे लोग बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। 15 से लेकर के 20 तक आपका समय है, इसको भर सकते हैं। 20 से लेकर के टीचर लोग आपको कॉल करेंगे। ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन होगा, उसी समय बच्चे लोग जितने भी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं उस पेपर को साथ में रखेंगे। मम्मी पापा भी साथ में रह सकते हैं। यहाँ से स्कूल से कम 3 टीचर लोग, कोई भी टीचर आपके बच्चे से ओरल एग्जामिनेशन लेंगे। जो आप एग्जामिनेशन लिखे हैं उसी से ही पूछा जाएगा, तो इसलिए वो पेपर भी साथ में रखिएगा। मम्मी पापा साथ में रह सकते हैं, तो उसके लिए 100 मार्क होगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क होगा। टोटल 200 मार्क के लिए हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे। उसी के आधार पर फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अक्टूबर महीना से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आता है वो सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। LKG से लेकर के 8वां क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आप फी अपडेट कर लीजिए और उसके बाद ये फाइल ज़रूर ले लीजिएगा। इस एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है और उसके बाद हम मानेंगे कि आप हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे लोग जो फीस जमा नहीं करते हैं या ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं या कोई टीचर के संपर्क में नहीं है, हम मानते हैं आप हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वे लोग सब कुछ समय पर करते हैं, जो टीचर लोग बताते हैं उसी के अनुसार भी अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो उन सभी माता पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस समय में भी आपने बहुत सहयोग दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चेतावनी भी देता हूँ, कुछ बच्चे लोग लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वे लोग गलत चीज़ें सीख गए हैं, उसका परिणाम है कुछ गलत वीडियो बनाना टीचर के प्रति या स्कूल के प्रति। इट सिंपली शोज योर चाइल्ड इज मेंटली सिक, क्योंकि स्कूल के बारे में गलत वीडियो बनाना औरों को बांटना ये बताता है मानसिक रूप से आपके बच्चे बीमार हैं। यदि आपका बच्चा उसी तरह से काम करता है, माता पिता बातें करें उनसे, गुरुजनों के प्रति उनकी भावना क्या है, स्कूल के प्रति उनकी भावना क्या है, अब बात कीजिएगा, उनको सही सलाह देने के लिए प्रयास कीजिएगा। वो बच्चे लोग जो ऑनलाइन क्लास के समय में गालियाँ देते हैं, टीचर को भी गाली देते हैं और बच्चे लोगों को भी गाली देते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो इसीलिए बच्चे लोग माता पिता को थोड़ा सा शेयर करेंगे, बातें करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे इसी तरह से गलत कार्य में लगे रहें। तो इसलिए यदि गलती से स्टूडेंट से या पेरेंट्स से भी एक अनुरोध है, अगर गलती से भी कोई बच्चा गलत वीडियो बना करके आपको भेजता है, कृपया करके आप फॉरवर्ड मत कीजिए,
अगर वो बच्चा मेंटली सिक है, आप मेंटली सिक नहीं हैं, आप फॉरवर्ड मत कीजिए किसी को भी, कोई भी वीडियो को भी। यदि गलत है, आप स्टूडेंट्स लोगों से भी अनुरोध है, फॉरवर्ड मत कीजिए। एक बच्चा बनाएगा, केवल वही बच्चा करेगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप गलत लोगों के साथ आप साथ देंगे, आप भी गलती करते हैं। तो इसलिए हम लोग आगे टीचर लोगों को मैं बता दिया हूँ, थोड़ा बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चे लोगों का, क्योंकि इन दिनों में बहुत आउटलेट बच्चे लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए गलत चीज़ों को भी सोचने के लिए भी उन्हें मिलता है, इसलिए पेरेंट्स लोग भी ध्यान देंगे। उम्मीद है ईश्वर आशीर्वाद देते हैं हम सबों को। इतने संकट के समय में भी हमारे टीचर लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को अपने अपने तरीक़ा से पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ टीचर लोगों को, पेरेंट्स लोगों को भी बधाई देता हूँ आपके सहयोग के लिए, बच्चे लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ आपकी जो पेशेंस जो है, आपकी सहानुभूति जो है, तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। होप टू सी यू ऑल सून, मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, बी सेफ, थैंक यू।